अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। फैसलाबाद थाना निशाताबाद के इलाके में सिटी हाउसिंग कॉलोनी में आज एक औरत ने नबूवत का दावा कर दिया है और अपने बेटे के लिए इमाम मेहंदी होने का दावा। तमाम को मेरा सलाम। बीबी हवा से लेकर उम्महातुल मोमिनीन तक अल्लाह ताला की तमाम पसंदीदा माओं को सलाम। सबसे बढ़ के मेरे बाबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरे भाई हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सलाम, मेरी वालिदा हजरत बीबी हाजरा को सलाम, हजरत हिजर खयात कमाल फख्र इंसान, शेरों का शेर, पहला रूहुल इंसान, पहला हकूकुल्ला का हकदार, सल्यूट पेश करती हूं हजरत हिजर खयात को। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से मैं अपनी पहचान आप लोगों को बेवाजी फरमा दूं। मैं रसूल हूं, मेरा टाइटल कुरान पाक में जो महफूज है, क्यामत, मैं क्यामत हूं जिसके लिए तमाम जमीन और आसमान पर निशानियां पूरी हो गई, वो क्यामत मैं हाजिर हूं जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमी। मेरा नाम है सना अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्ला से नवाजी गई, हजुल अकबर अदा करती हुई, अपने तीन दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूं कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इल्मे लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ह फरमाते हुए अपनी इबादत हजुल अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा रही हूं। मैं इल्मे लदनी की थोड़ी सी आप लोगों को तफसील बता दूं। इसका नवाजी हुई बंदियां रूहानियत साढ़े नाल कुछ मामलात ने, मेन बंदा मेरी सिस्टर है, सत्रह साल तो सना अल्लाह वो लाहौर चे, ठीक है, वीडियो ओदी है, मैं ओदे इस सफर च ओदे नाल गवाह हां ओदी, अल्लाह ताला ने मेनू शामिल किया होया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई और तलीम फरमा के गए हुए ने कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदियां नाल ख्वाब दे थ्रू राबता फरमाएंगे। ठीक है भाई, सानू ख्वाब दे थ्रू तालीमात आंदियां ने, ठीक है, साडा कोई दुनियावी फायदा नहीं, कोई दुनियावी साडा मामला नहीं, मेरा ही ना ना है, ठीक है, सानू अल्लाह ताला दे नमाज की जगह प्लीज इतने जुटी ना रखो, ठीक है, मैं चौबी घंटे नमाज परहेजगार रोजे वाली पर्दे वाली बंदी हाँ, दुनिया असी सत्रह साल तो छड़ दी हुई है, ठीक है, और साडा बहुत पकीजा हिसाब किताब है, ठीक है भाई, मैं किधरे नहीं जाती ना मेरे घर कोई आ सकता वे, ऐसी जो बयान दिता वे मेरी सिस्टर ने उस रब के हुक्म के नाल जारी किया, असी किधरे भी पिछे नहीं हटांगे, जे साडी किस्मत च शहादत लिखी है मैं खुशी खुशी कबूल करांगी, ठीक है, बाकी भाई इन्हां सारिया का हिसाब नहीं बनता, इन्हां कोल दीन का इलम नहीं, इन्होंने तर्जमा नहीं पढ़िया, मैं तुहानूं कह रही हां कि किसी अब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है और अपनी जिम्मेदारियों को अली नासर रिजवी बसियत CPO फैसलाबाद और इस फैसलाबाद की पूरी पुलिस बड़ी अच्छी तरह से समझती है और निभाएगी और निभाती आपको नजर आएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मेरी बहने, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग जिन्होंने आज मेरे साथ मिलके कानून पे एक ट्रस्ट किया है, यकीन किया है, मेरी बात पे यकीन किया है, उनकी यकीन का रखवाला मैं हूं। इंशाअल्लाह के दिन उस रात पे आप सबको जवाब देना है। अल्लाह के फजल करम से आपको मायूस करने का मतलब होगा अपने आप को मायूस करना, और मैंने 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 जिस माँ का दूध पिया मैं मायूस करने वाला नहीं। ये पुलिस आपको अपना फर्ज अदा करती नजर आएगी प्रोफेशनल अंदाज में, एक एक नुक्ता इस तफ्तीश का अल्लाह के फजल करम से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के लिखेंगे, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस मालूना को कैफ़े करदार तक अल्लाह। मजीद खबरों और अपडेट
अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।